व्यवस्था चले सर कोरोना से लड़ाई में? मैं ये अच्छी व्यवस्था है और मैं यहाँ निरीक्षण कर ये कह सकता हूँ कि जो हमने आदेश दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उनका पालन हो रहा है और निश्चित रूप से होना चाहिए। यह मानवता के हित में है और यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारी भूमिका है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर 15 लाख नागरिकों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं प्रतिदिन, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बड़ी बनती है और उस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं और निभाएंगे, क्योंकि हम समाज का एक मुख्य घटक हैं और निश्चित रूप से ये परिवहन विभाग उस जिम्मेदारी को निभाता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हमने कहा है कि जो एंट्री पॉइंट है हमारा, प्रवेश का द्वार है, वहाँ सैनिटाइज करना चाहिए और निश्चित रूप से मुझे यहाँ सैनिटाइज होते हुए सब चीज़ें दिखी और बसों के अंदर छिड़काव भी हो रहा है, बसों की स्वच्छता का भी ध्यान रखा जा रहा है और हमारे कंडक्टर उसमें एक संदेश भी पढ़कर सुना रहे हैं कि सावधानियाँ क्या हैं इसकी। तो निश्चित रूप से परिवहन विभाग इसको बहुत अच्छे से कर रहा है और इसको करना ही होगा, क्योंकि इस बीमारी का इलाज जो है वो सावधानी है और बचाव ही इस बीमारी का इलाज है। हम लोगों से हाथ मिलाने से बचें, लोगों को टच करने से बचें, छूने से बचें और हम हाथ जोड़कर अभिवादन करने की अपनी लाखों साल की परंपरा का निर्वाहन करें। अगर हम उस परंपरा को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे तो मुझे लगता है लोगों से हाथ मिलाने से बचेंगे। सर, लगातार यात्रियों की संख्या कम होती जा रही है, तो क्या बसों की संख्या, परिवहन विभाग को जो घाटा हो रहा है उससे बसों की संख्या क्या कम की जाएगी? हम कह रहे हैं यात्री आए ना आए सवाल नहीं है, बस का घाटा सवाल नहीं है, यहाँ जीवन की सुरक्षा सवाल है, बस के घाटे का सवाल नहीं है, यहाँ जिंदगानी को सुरक्षित करने का सवाल है। जिंदगानी हम कैसे सुरक्षित कर पाए, हम सबकी ड्यूटी है, हम सब भारत के नागरिक हैं, हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे को सजग करें, सचेत करें और हम जागरूक करें। यह हम सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, ये किसी एक विभाग की जिम्मेदारी।